शादी के कुछ अरसे बाद ही इस घर को मैं तुम्हारा ससुराल और मैका दोनों बना दूंगी। वो कैसे? उसे घर दामाद बनाकर। राय जबरान की बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, और मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपनी पसंद से करूंगा, अपने बराबर के लोगों में, स्टेटस वालों में। नास के बाप को ये रिश्ता कबूल हो या ना हो, मगर नास की सौतेली माँ ये रिश्ता कबूल करती है। निंद्रा तो नास से ज्यादा सुलझी और खूबसूरत है। फिर आप मेरी शादी की बात नास के बजाय इस लड़की के घर वालों से क्यों नहीं करती? निंद्रा बड़ी शातिर और चालाक लड़की है। आखिर इसने वासिफ को अपने जाल में फंसाई लिया। अरे भाई, अच्छा और सुलझा हुआ होना ही काफी नहीं है। अरे ये हमारे स्टेटस के है ही नहीं यार, तो बेचारे गरीब शरीफ से लोग हैं। और एक बात जहन में रखना कि राय जबरान की बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, और मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपनी पसंद से करूंगा, अपने बराबर के लोगों में, स्टेटस वालों में। अगर नास का रिश्ता जिब्रान राय की पसंद से तय हो गया तो मेरा प्लान तो नाकाम हो जाएगा। मैंने इस जायदाद को नास के नाम होने से बचाने के लिए प्लान बनाया है। इन दोनों सीधे साधे माँ बेटे को सिर्फ बीवी और बहू चाहिए थी। वो नास के हिस्से की जायदाद का तकाजा कभी नहीं करते। परवीन, परवीन, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। मिसेस जैदी से जाकर पूछती हूँ जिब्रान के इनकार का तोड़। यह है तुम्हारा घर और ये रही इस घर की चाबी। वैसे तो ये पूरा इलाका महफूज है, फिर भी तुम्हें मोहताज रहना पड़ेगा। हाँ, इस गुमान में मत रहना कि जमील बॉस मर गया तो मामला खत्म हो गया। तुम फिक्र ना करो, जानी भाई के कुत्ते मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। मेरी मानता तो कुछ महीने गांव में और गुजार लेता मगर इश्क ने तुझे चैन से रहने नहीं दिया। अगर गांव में रहता ना, अब्बा जबरदस्ती शादी करा देता। 2 महीने की मोहलत लेकर आया हूँ। मेरा यार दूल्हा बनने जा रहा है, मुबारक हो दूल्हे राजा। अबे मैं जाऊंगा नहीं तो शादी कैसे होगी? मतलब तू शादी नहीं करेगा? करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन उससे करूंगा जो मेरे दिल में दुल्हन बनी बैठी है। कौन है वो? है कोई, लेकिन मेरी नहीं, किसी और से मोहब्बत करती है वो। मोहब्बत और जंग में सब जायज है मेरे दोस्त। वो मेरी दोस्त को चाहती है, लेकिन अब उसकी दोस्ती बीच में आड़े आ रही है। सर निकल चलता हूँ मेरे दोस्त। हाँ हाँ भाई, आओ आओ, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी चाय, बिस्किट, केक, रस तैयार है, आ जाओ। हाँ, इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, वो मैं जॉब करना चाहती हूँ। या आप मुझसे इजाजत लेने आई हैं या अपना फैसला सुनाने आई हैं मुझे? आपको क्या लगता है, इजाजत है या फैसला? हाँ भाई, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम बाहर निकलो, जॉब करो। वैसे भी वासिफ के हादसे के बाद से तुम्हारी जिंदगी तो काफी वीरान हो गई। मैं तो कहती हूँ तुम उसके दफ्तर में ही दरख्वास्त दे दो। मम्मी, आप मुझ पर तंज कर रही हैं। देखो, मैं तुम्हें तंज नहीं कर रही, लेकिन मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो तुम समझना नहीं चाह रही। माना कि अब वहां वासिफ नहीं है, लेकिन उसकी खुशबू का एहसास तुम्हें उसके करीब रहने का झूठा यकीन दिलाएगा। वासिफ के वजूद की खुशबू मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, और उसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर जाने की जरूरत क्या है बाहर?
इस घर से और अब आपकी बातों से जी उकताने लगा है मेरा। अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हें आज से सारी बंदिशों से आजाद करती हूँ। और अगर वासिफ तुम्हें इन हालात में भी कबूल है तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। और माना कि आमना जमाल अहमद से मेरा मुकाबला चल रहा है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस शिकस्त को भी कबूल करती हूँ। जबकि आपको पता है कि वासिफ की अम्मी मुझे कबूल नहीं करेंगी। ये मेरा मसला नहीं है, मैं एक माँ की हैसियत से अपना फर्ज अदा कर रही हूँ बस। आप अपना फर्ज अदा नहीं कर रही, बल्कि आप अपनी जंग जीतने के लिए मुझे वासिफ की अम्मी के सामने मुकाबले के लिए खड़ा होने के लिए कह रही। अब बात आप दोनों की जंग से ज्यादा मेरी मोहब्बत की जीत की है। कौन हो तुम? आओ बैठो। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, आओ बैठो। तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। तो शौक से जाइए। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने तो जिंदगी बर्बाद कर ली। कैसे हो वासे? अभी तो आओ बैठो ना प्लीज। अरे वाह, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। लगता है तुम्हारा खोया हुआ तुम्हें वापस मिल गया। हाँ, मैंने आज उसे पा लिया है। अच्छा एक बात बताओ, तुम उस दिन के बाद दोबारा क्यों नहीं आई? मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारा। मैं आना चाहती थी, मगर एक खौफ है जिसने मुझे आने से रोक लिया था। मैं जानता हूँ वो खौफ मेरी अम्मी का है। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी उनसे बनती क्यों नहीं, हालांकि तुम तो बहुत अच्छी हो। अच्छी तो मैं तुम्हें लगती हूँ ना, उनके लिए तो मैं बहुत बुरी हूँ। हाँ मगर क्यों? आज भी जब वो घर से जा रही थी तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं दरवाजा ना खोलूं। क्यों? शायद उन्हें डर था तुम दोबारा ना हो। फिर तुमने उनका कहा माना क्यों नहीं? अगर उनका कहा मान लेता फिर तो तुम बाहर से ही लौट जाती। अच्छा तुम बताओ, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी से बनती क्यों नहीं है? पहले हम दोनों की बहुत बनती थी, फिर क्या? फिर उन्हें लगा कि मैंने उनका सब कुछ गवा दिया, तब से उनकी मुझसे नहीं बनती। मैं समझा नहीं। दरअसल ये वासिफ और निम्रा की कहानी है। वासिफ तो मैं हूँ। दुनिया में एक नाम के कई लोग होते हैं। ये निम्रा कौन है? अरे हाँ याद आया, उस दिन तुम्हीं ने तो अपना नाम निम्रा बताया था। तुम्हारी और वासिफ की क्या कहानी है, मैं सुनना चाहता हूँ। दरअसल ये कहानी मोहब्बत की कहानी है। फिर तो मैं जरूर सुनूंगा, प्लीज सुनाओ ना। आज नहीं फिर कभी, अब तो मैं आती जाती रहूंगी। हाँ, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं निम्रा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे में दाखिल हो जाऊंगी। मैं अपनी मोहब्बत की जंग जीत कर रहूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मोहब्बत इंसान को ताकतवर बना देती है, और जिसके पास ताकत हो उसकी जुर्रत को नहीं ललकारते। तुम अपनी चालाकियों को मोहब्बत का नाम मत दो। मैं अब तुम्हारी जाल में अपने बेटे को फंसने नहीं दूंगी। अगर आप मुझे चालाक और मेरी मोहब्बत को जाल समझती हैं,
तो हाँ मैं चालाक हूं। आज वासिफ को अपना शिकार बनाने के लिए मैंने अपना जाल बिछा दिया है। वो बहुत जल्द इस जाल में फंस जाएगा। बड़ी बेबाक लड़की हो, लगता है हुमैरा जहां की तरबियत का असर है। जो असर मोहब्बत में होता है वो तरबियत में नहीं, और आज मेरी मोहब्बत का असर ना सिर्फ नजर आएगा बल्कि बोलेगा भी। आपके अंदर जाते ही वासिफ सबसे पहले आपसे मेरे बारे में पूछेगा। उसके सामने आपने मेरी नफरत का इजहार करके उसे मेरे बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। सोरा जबी किसी की मानती नहीं अपनी मनवाती है। जहाँ मेरी मर्जी जूते की नोक पर रखी जाए वहाँ मैं सबको अपने जूते तले रोंद कर चली जाती हूँ। सोरा बेगम, क्या हो रहा है, कहीं जा रही हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या बकवास है ये, मिडिल क्लास औरतों की तरह घर छोड़कर जा रही हो, क्या हुआ है? जब तुम मुझे अत्या की तरह ट्रीट करोगे तो मैं वैसे ही बिहेव करूंगी। क्या हुआ, क्या है, मुझे बताओ, खुलकर बात करो। तुमने ना मेरा सारा मान तोड़ दिया है। तुमने मुझसे नास की मां होने का हक ही छीन लिया है। मैंने जिस मां से उस रिश्ते के लिए हां की थी तुमने उनके सामने इनकार करके मेरी बेइज्जती तो करवाई लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया। क्या हो गया तुम्हें, तुम ही तो हर वक्त स्टेटस की बात करती रहती हो, है? क्या हो गया तुम्हें? और तुमने नास के रिश्ते करते वक्त स्टेटस का ख्याल नहीं किया? क्यों नहीं ख्याल किया? वो कोई मिडिल क्लास लोग नहीं है। फिर भी वो हमारे बराबरी के लोग नहीं है, ये नहीं हो सकता। और सुनो, चलो सामान वापस रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो बिल्कुल। और तुम बाहर आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, डाइनिंग टेबल में तुम्हारा इंतजार करो। चल शाबाश, गुस्सा खत्म, कम ऑन। सोरा जबी हारती नहीं, हराती है। बोले अम्मी, क्या गवाया आपने निम्रा की वजह से? सुनकर तुम्हें सदमा तो नहीं हो रहा? कैसा सदमा? रहने दो बेटा, तुम सह नहीं पाओगे। मैं सह लूंगा, आप बताएं। बेटा तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। क्या? मैं आप दोनों को एक बात बता दूं, अगर आप दोनों ने सुलह नहीं की ना, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये तो मैं चाहती हूँ, कल के बजाय आज चली जाओ, बल्कि अभी चली जाओ। तुम अपनी माँ को छोड़कर चली जाओगी? मम्मी और मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं है। आज वो लड़की फिर क्यों आई थी? देखिए अम्मी, वो मेरी दोस्त नहीं है, मैं सारा दिन घर में अकेला पड़ा रहता हूँ। अगर वो आके मुझे थोड़ी सी कंपनी दे देती है तो उसमें क्या बुराई है? बुराई उस लड़की में है जो तुम्हें नजर नहीं आती। निम्रा ठीक कहती थी, मुझे उसकी बुराई नजर नहीं आती। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क नहीं पता। लेकिन निम्रा तो आपकी कोई बुराई नहीं करती। इसलिए कि मैं बुरी नहीं हूं तो मेरी बुराई कोई क्यों करेगा? मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त निम्रा की बात कर रहा हूं। और निम्रा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आपकी क्या राय है उसको लेकर, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। वो लड़की फिर यहां नहीं आनी चाहिए। निम्रा कह रही थी कि आपकी कभी उससे बहुत बनती थी, फिर अब क्यों नहीं बनती? ये भी सवाल उसने ही तुम्हारे दिमाग में डाला होगा। निम्रा ने मुझे इस फजूल से सवाल का जवाब दिया। आपको ऐसा लगता है कि निम्रा की वजह से आपने अपना सब कुछ गवा दिया? क्या गवाया आपने निम्रा की वजह से? इस सवाल का जवाब भी उसी से मांग लेते। इस सवाल का जवाब आप दें या वो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इस फजूल बहस के मूड में नहीं हूं। इसका मतलब साफ है कि आप मुझे कभी भी हकीकत नहीं बताना चाहती।
अब इसे कैसे बताऊं? मेरा सब कुछ तो ये खुद है जो गवाया है इसने। वो इसकी याददाश्त। बोले अम्मी, क्या गवाया आपने निम्रा की वजह से? सुनकर तुम्हें सदमा तो नहीं हो रहा? कैसा सदमा? रहने दो बेटा, तुम सह नहीं पाओगे। मैं सह लूंगा, आप बताएं। बेटा तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। क्या? मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूं? मम्मी, आपके और बाबा के दरमियान ये नाराजगी कब तक चलती रहेगी? जब तक वो मेरी बात नहीं मान लेते हैं। और वो कहते हैं कि जब तक आप उनकी बात नहीं मान लेते। ये बात तुम्हारे बाबा को सोचनी चाहिए जी। और बाबा कहते हैं कि ये बात आपको सोचनी चाहिए। मुझे पता लग गया कि आप दोनों के नाराजगी की वजह क्या है। मेरी शादी, अब मैं शादी नहीं करूंगी। शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी पड़ेगी, वो भी जहां मैं चाहती हूँ, वरना मेरा सारा प्लान थरा का थरा रह जाएगा। कैसे नहीं करोगी तुम शादी? बेटा कितने अरमान हैं मेरे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। माओं के अरमान कितने नाजुक होते हैं। बेटा तुम अपनी माँ के अरमानों को तोड़ना चाहती हो? मम्मी और मैं क्या करूं? अपने बाबा से बात करो, वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। मैं आप दोनों को एक बात बता दूं, अगर आप दोनों ने सुलह नहीं की ना, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये तो मैं चाहती हूँ, कल के बजाय आज चली जाओ, बल्कि अभी चली जाओ। तुम अपनी माँ को छोड़कर चली जाओगी? मम्मी मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चारा नहीं है। चारा है, तुम अपने बाबा को मना सकती हो, तुम उनकी लाडली बेटी हो, वो तुम्हारी कोई बात नहीं डालेंगे। ये तो आपने ठीक कहा है, बाबा की लाडली होने का फायदा उठाऊंगी और उनसे ये नाराजगी खत्म करने के लिए बोलूंगी। मैं चलती हूँ। वाह जोरा जवी बेगम वाह, कल तक जो लड़की तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी, आज वो तुम्हारे इशारों पर चल रही है। वाह, निम्रा उस दिन मेरी आवाज से मुझे पहचान गई होगी। अगर उसने वासिफ को मेरे बारे में बता दिया तो उसे मेरी नियत पे शक हो जाएगा। तो क्या हुआ? निम्रा जैसी खूबसूरत लड़की को मैं वासिफ की दोस्ती के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। वैसे भी अब वासिफ मेरी हकीकत जान चुका है, अब उसके दिल में मेरे लिए कोई दोस्ती नहीं होगी। तो आज से निम्रा वासिफ की नहीं, फिरोज की। कल से निम्रा का इंतजार कर रहा हूँ। लगता है अम्मी ने उसे सख्ती से मना कर दिया होगा यहाँ आने से। बड़ी खुशी झलक रही है आज तो चेहरे पर, लगता है गम के बादल छट गए और वासिफ की याददाश्त जाने का सोग भी खत्म हो गया।
आप बस तंस के तीर बरसाती रहा करें मुझ पर। जो सोग में मना रही थी ना, उसकी वजह से वासिफ मुझसे और मैं वासिफ से दूर होती जा रही। मगर मैंने फैसला कर लिया कि मैं वासिफ की यादाश्त आने का इंतजार क्यों करूं। मुझे तो उसके वजूद से मोहब्बत है, उसकी यादाश्त से नहीं। अम्मी कहती हैं मेरी यादाश्त चली गई। अगर अम्मी की इस बात में सदाकत है तो वो मुझे ये बात बताती क्यों नहीं कि मेरी यादाश्त कब और कैसे चली गई। मुझे यकीन है निमरा के पास मेरे सवाल का जवाब जरूर होगा। ये मेरी जीत और वासिफ को दोबारा पाने की खुशी है जो शायद आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तो शायद अपने सीने पर पत्थर रख के इसको बर्दाश्त कर लूं, लेकिन आमना जमाल अहमद, उसको तुम्हारी खुशी कभी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बता चुकी हूं कि अब वासिफ और मेरे दरमियान कोई नहीं आएगा। बहुत दिलेर हो गई है मेरी बेटी। हाँ? जंग डर कर जीती नहीं जाती, उसके लिए दलेर होना पड़ता। मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, उसके बाद वासिफ से मिलने उसके घर जाऊंगी। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मेरे हिस्से की जंग भी आमना जमाल अहमद से ये खुद लड़ रही है। चलो माँ नहीं तो बेटी सही। तुम बहुत मासूम और निमरा तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रही है। उसको क्या फायदा होगा मुझसे, मुझे उससे फायदा पहुंच रहा है। जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। जब वो यहाँ आती है मेरा वक्त अच्छा गुजरता है। आपको तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस घर से ये सारा डिप्रेशन टेंशन दबाव खत्म करने का क्या सोचा आप? अच्छा जोहरा बेगम, जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां रिश्ता कर लो नाज का, खत्म। जहां नहीं वहां। नाज से पूछा है तुमने, उसकी मर्जी है वहां? मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ, उसकी मर्जी पूछ कर ही मैंने उन लोगों को बुलाया है। चलो अब तो तुम खुश हो, वहां रिश्ता कर दो, खत्म। किसका इंतजार है? निमरा का? और किसका इंतजार करूंगा मैं, एक ही तो दोस्त है मेरी। दोस्त? लेकिन वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझती। अच्छा फिर क्या समझती? वो दीवाने का ख्वाब देख रही है जिसका तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। अम्मी आप मुझसे बातें क्यों छुपाती? छुपा नहीं रही हूँ, तुम्हें बचा रही हूँ। तुम बहुत मासूम और निमरा तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रही है। उसको क्या फायदा होगा मुझसे, मुझे उससे फायदा पहुंच रहा है। जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। जब वो यहां आती है मेरा वक्त अच्छा गुजरता है। आपको तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब वो यहां नहीं आएगी, मैंने उसको मना कर दिया है। तुम फिजूल में उसका इंतजार कर रहे हो। मुझे लगता है वो जरूर आएगी। निमरा की दो मुलाकातों में तुम अपनी माँ से ज्यादा उस पर यकीन करने लगे हो। दरअसल उसके लहजे में आपसे ज्यादा यकीन था। ओहो भाई जोरा बेगम, नाराजगी खत्म करो ना भाई। ये हम दोनों की टेंशन की वजह से पूरा घर टेंशन में आ जाता है। देखो नाज बेचारी कितनी परेशान है। नाज की नहीं, आप सिर्फ अपनी बात करें। ओहो भाई यही तो कह रहा हूं, अब इस टेंशन को खत्म करो। क्या हाल है इस टेंशन को खत्म करने का? फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में क्या सोचा? इस घर से ये सारा डिप्रेशन टेंशन दबाव खत्म करने का क्या सोचा आप? अच्छा जोहरा बेगम, जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां रिश्ता कर लो नाज का, खत्म। जहां नहीं वहां। नाज से पूछा है तुमने, उसकी मर्जी है वहां? मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ, उसकी मर्जी पूछ कर ही मैंने उन लोगों को बुलाया है। चलो
अब तो तुम खुश हो, वहां रिश्ता कर दो खत्म। अब तो मैं तुम्हारी नाराजगी खत्म समझू। मेरी बात मान जाना ही मेरी नाराजगी खत्म होने की शर्त थी। मैं देखो तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई, तुम्हारी बात माननी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे चेहरे पे कोई मुस्कुराहट आई हो। अब खत्म हो गया, ठीक है, रिलैक्स, सारा घर भी रिलैक्स होगा। जोहरा जबी, तुम्हें जीत मुबारक हो। तुम मेरा पीछा करते यहां तक आ गए? जिस सवाल का जवाब तुम जानती हो पहले से, वो पूछ क्यों रही हो? कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। मैं किसी ऐसी वैसी लड़की को मुंह भी नहीं लगाता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। तुम आखिर चाहते क्या हो? कोई ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब तुम्हारे पास पहले से ना। तुम फजूल में अपना वक्त जाया करो, मेरे पीछे आना छोड़ दो, वरना। वरना क्या करो, शोर मचाओगी। उसे मैं घबरा क्या गई? तुम मुझे कमजोर और बुजदिल लड़की समझने लगे। तुम्हें ये सुनकर मायूसी के साथ सदमा भी होगा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। जानता हूँ वो खुश नसीब वासिफ है, अब उसकी खुश नसीबी पर हसद करने लगा। बुरी खबर सुना दी तुमने, दुआ करना ये गम सह सको। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। वो तो आना ही था। बैठो ना। अम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें यहाँ आने से मना कर दिया था, लेकिन ये बात वो बहुत ज्यादा यकीन से नहीं कह रही थी। लगता है आज तुम्हारी अम्मी घर में, इसीलिए दरवाजा बंद नहीं है। अम्मी किसी खाला के साथ बैठी है, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? वो मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, मैं सीधी वहीं से आ रही हूँ तुमसे मिलने। जब उस दिन बाजी का फोन मेरे पास आया, मैं समझ गई रिश्ते के लिए ही बुलाया है, और वही हुआ। जब मैं वहां गई, मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। उस दिन क्यों वापस लौट आया था? अरे भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। आप ये सब छोड़ें, ये बताएं चलना कब है। और मैं ये सोच रही हूँ कि इस बार हम दोनों अकेले जाएंगे, वासिफ को लेकर जाने की अब जरूरत नहीं है। उस दिन उन लोगों ने देख तो लिया है वासिफ को। अगर वासिफ को यहाँ छोड़कर गए ना, तो वो चालाक लड़की यहाँ पहुंच जाएगी। मेरी मौजूदगी में उसकी यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। ये तुम्हारे लिए, मैंने इसमें सिम भी डलवा दी और रिचार्ज भी करवा दिया। इसका मैं क्या करूंगा? बातें करोगे और क्या करोगे? मैंने इसमें अपना नंबर भी सेव कर दिया। अब तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जब दिल करे बात कर लेना। लेकिन निम्रा, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, कितने का लिया? तुम्हारे मुकाबले में दुनिया की हर शय सस्ती है। आज मुझे एडवांस सैलरी मिली थी, मेरे दिमाग में आया और मैंने तुम्हारे लिए फोन ले लिया। और हाँ, अम्मी को इस फोन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो समझ जाएंगी कि ये फोन मैंने तुम्हें दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी तुमसे बहुत पुरानी शनासाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अम्मी कहती हैं कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूं, मगर अम्मी ये नहीं बताती कि मेरी याददाश्त गई कैसे, हुआ क्या था, क्या तुम जानती हो? जब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाऊंगी, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये लड़की तो अपनी माँ से भी दो कदम आगे निकली, बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। मैं समझी थी कि मेरा बेटा याददाश्त होने के बाद ना इसके चुंगल से आजाद हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल था। आप टेंशन ना लें, बस एक बार वासिफ का रिश्ता हो जाने दें, फिर ये निम्रा खुद ब खुद उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। Thank you.
आई एम सॉरी, उस दिन एक मसला हो गया था जिस वजह से इनकार करना पड़ा। वो मसला ऐसा था जिसका हल होना बहुत जरूरी था। अरे बाजी, ये तो हमें भी पता है, इंसान की जिंदगी में 100 मसले मसाइल होते हैं। खुशी तो हमें सिर्फ इस बात की है कि आपने हमें दोबारा याद किया। क्यों आसिफ की अम्मा? बिल्कुल, रिश्ते तो आसमानों में तय होते हैं। ये रिश्ता शायद वासिफ के नसीब का था, इसीलिए आपने दोबारा बुला लिया। बात आगे बढ़ाते हैं। नास के बाबा बिजनेस टूर के सिलसिले में बाहर गए हुए, वो आ जाए तो मंगनी की तारीख तय कर लेते हैं। हाँ, मंगनी के साथ साथ ना रुखसती की तारीख भी तय कर लेंगे। क्यों, आपका बेटा कहीं जा रहा है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। असल में मैं अपने बेटे के सर पर सहरा सजा देखना चाहती हूँ। बेटे की माँ हूँ ना। मंगनी और शादी की तारीख बाद में तय की जाएगी, आप टेंशन ना लें, आपके सारे अरमान पूरे होंगे इंशाल्लाह। आज रिश्ते की बात तय हो गई है। मैंने मम्मी और बाबा की खुशी में खुश होकर हाँ तो कर दी है, लेकिन सच ये है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं रहूंगी। मुझे आशिर से बात करनी होगी, ये मेरी खुशियों और उसकी जिंदगी का मामला है। अब अगर अम्मी मुझसे शादी के लिए किसी भी लड़की के हवाले से बात करेंगी, मैं तो साफ साफ मना कर दूंगा। क्यों? अब अगर अम्मी मेरी शादी किसी से करना चाहती हैं तो तुमसे क्यों नहीं? आज रिश्ते की बात तय हो गई है। मैंने मम्मी और बाबा की खुशी में खुश होकर हाँ तो कर दी है, लेकिन सच ये है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं रहूंगी। मुझे आशिर से बात करनी होगी, ये मेरी खुशियों और उसकी जिंदगी का मामला है। मैंने आशिर का नंबर ब्लॉक तो कर दिया था, क्या पता उस दौरान उसने मुझसे रब्ता करने की कोशिश भी की हो। अच्छा हुआ जो मम्मी के कहने पर मैंने आशिर का नंबर डिलीट नहीं किया। आशा का फोन बन जा रहा है, बाद में ट्राई करूंगी। ये मोबाइल तो कितनी कमाल चीज है, हमारे फासलों को एकदम खत्म करके रख दिया इसने। आज तुमने मेरा इंतजार तो जरूर किया होगा। तुम्हारा इंतजार तो मैं रोज करता हूँ, आज तुम आई क्यों नहीं? ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी, थोड़ी सी लेट हो गई थी। तुम मुझे कॉल तो कर सकते थे। मैंने सोचा कहीं तुम खामखा डिस्टर्ब ना हो जाओ। मुझे खुशी मिलती तुमसे बात करके। खुशी तो मुझे भी बहुत होती है, आज हम सुकून से बातें कर सकते थे। अम्मी घर पे नहीं थी ना। कहाँ गई थी वो? मैंने पूछा था उनसे पर उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस ये कह रही थी कि कुछ जरूरी काम से जा रही है। कहीं तुम्हारे रिश्ते की बात करने तो नहीं गई थी? हाँ निम्रा, तुमने खूब याद दिलाया। एक दिन अम्मी मुझे एक बहुत बड़े बंगले में ले गई थी मेरा रिश्ता करने के लिए। लड़की भी देख ली थी, उसकी माँ से भी मुलाकात हुई, लेकिन फिर बाद में उसकी माँ ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। वासिफ की अम्मी वासिफ की शादी करना चाहती हैं। मुझे तो इत्मीनान था जब तक वासिफ की याददाश्त वापस नहीं आती, वो इस बारे में सोचेंगी भी नहीं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तुम खामोश क्यों गई? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। वो लड़की कैसी थी? हाँ
अच्छी थी लेकिन तुम तो उससे बहुत ज्यादा अच्छी हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी उस लड़की से हो जाती तो तुम्हें कितनी खुशी होती? मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हुआ वहां से खुद ही इनकार हो गया। अब अगर अम्मी मुझसे शादी के लिए किसी भी लड़की के हवाले से बात करेंगी मैं तो साफ साफ मना कर दूंगा। क्यों? अब अगर अम्मी मेरी शादी किसी से करना चाहती हैं तो तुमसे क्यों नहीं? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। लगता तुम सदमे से पागल हो गए। पागल नहीं हूँ, वो गम तुम्हें सह गया लेकिन तुम्हें गम से बचाने के लिए एक मशवरा दे। एक सवाल का जवाब देना, इतनी मोहब्बत करती हो उस लड़के से? बेहिसाब मोहब्बत करो। यानी इतनी मोहब्बत करती हो कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हो? जब मोहब्बत सच्ची हो ना तो जान की परवाह नहीं होती। जिससे मोहब्बत करती हो उसकी जान की तो परवाह होगी ना। क्या बकवास करना चाहते हो? बारे गुस्से से पता चल रहा है कि तुम मेरी बात समझ गई। अगर उसकी जान की सलामती के साथ उसके मौत के गम से खुद को बचाना चाहती हो मेरी तरफ अपनी मोहब्बत का हाथ बढ़ाना हो मेरा यकीन कर तुम्हारे चाहने वाले से तुम्हें कहीं ज्यादा मोहब्बत है। सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं, जितना वक्त चाहिए ले लो लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारा फैसला मेरे हक में है। ख्याल रखना। परेशानी क्या है? पिछले कई दिनों से एक लड़का मेरा पीछा करके मुझे परेशान कर रहा है। आज तो उसने हद ही कर दी, फिर रास्ता रोक कर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये हरीबा कौन है? जिसे मैं अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूँ। क्या ये हक मुझे नहीं मिल सकता? नास, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? राय जबरान किसी के इशारों पे नहीं चलता, अपनी मर्जी करता है। राय जबरान की बेटी का उनके घर जाना एक उनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। वो चाहते हैं हम उनकी फरमाइशें पूरी करें। ठीक है तो फिर मैं उन्हें सिर्फ मंगनी की तारीख दे देती हूँ। मेरी मंगनी हो रही है, लड़के का नाम वासिफ जमाल है।